वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है कि कल आपके रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाले हैं। फिर से सुनिए, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है कि कल आपके रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाले। तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, किस वेबसाइट पर आपको चेक करना है और किस किस प्रोसेस से आपको रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट किए। ये महारिजल्ट NIC.in ये एक वेबसाइट है, ये वाली महारिजल्ट.NIC.in, और दूसरी वेबसाइट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, ये वाली एक वेबसाइट है। दोनों में से किसी एक वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे तरफ लेकर जाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट का जो सर्कुलर होता है तो ये सर्कुलर भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट है वो कल कन्फर्म आने वाला है, यानी 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है HSC का, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये देखिए, आप यहाँ पर पूरा सर्कुलर पढ़ सकते हैं, पूरा आपका रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर होने वाला है और इन वेबसाइट पर आपको चेक करने के लिए मिलेगा। कल है 25/5/2023, यानी 25 तारीख को, यानी कल रिजल्ट है आपका। ये देखिए, ये उनने 6 वेबसाइट दिए हुए हैं, तो 6 वेबसाइट में से 2 वेबसाइट मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुए हैं, 2 वेबसाइट पर कंफर्म आपका रिजल्ट चेक होगा। उसमें से पहली जो वेबसाइट दे रहा हूँ मैं, उस पर तो कंफर्म आपका रिजल्ट चेक होगा, ये वाली maharizult.nic.in ये वाली वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो पहली वेबसाइट है, ये है maharizult.nic.in। ये देखिए, इस पर टाइमलाइन भी आ चुकी है। यहाँ नीचे आएंगे लेटेस्ट अनाउंसमेंट, तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आप देखेंगे, देखिए HSC एग्जामिनेशन February 2023 रिजल्ट टू बी अनाउंस ऑन May 25, 2023 एट, ये यहाँ पर 14 आवर्स वगैरह दिखा रहा है, यानी कल आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। और कल वो भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है वो 2 बजे, यानी दोपहर के आप 2 बजे देखेंगे रिजल्ट को, 2 बजे आप चेक करेंगे, 2 बजे के बाद आप रिजल्ट को चेक करेंगे इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आकर जैसे ही इस वेबसाइट पर आते तो मैं आपको इंटरफेस आपको बताता हूँ कि कैसा आता है। वेबसाइट पर जैसे ही जाते हैं आप तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस नज़र आता है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रोल नंबर डालना है। ये देखिए, आपको यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको इंटर रोल नंबर, यानी आपका जो भी रोल नंबर रहेगा, सीट नंबर रहेगा, वो आप यहाँ पर जैसा है वैसा अपना सीट नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद मदर नेम, जैसा भी आपका मदर नेम रहेगा, जैसे मयूरी कुमारी रहेगा तो सिर्फ मयूरी वहाँ पर डालेंगे, आपका जो भी मदर का नेम रहेगा एज इट इज़ वहाँ पर मदर का नेम, बोर्ड के आपके हॉल टिकट में जैसा दिया हुआ है वैसे ही आप मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसमें एक दो बातें ऐसी होती है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि वेबसाइट है वो ओपन नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक वेबसाइट पर आने की वजह से वेबसाइट कभी कभी सर्वर उसका डाउन हो जाता है या फिर वेबसाइट चलना काम करना बंद कर देती है। तो आप उस केस में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वेबसाइट आपको नेक्स्ट थोड़े टाइम के बाद अगर चेक करेंगे तो वेबसाइट आपको जैसी चलती थी वैसे ही चलने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप 2 बजे जब चेक करेंगे तो वेबसाइट, बहुत चांसेस ऐसे है कि वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है तो वेबसाइट चलना बंद होती है, यानी काम करना वो वेबसाइट बंद कर देती है। इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, थोड़े टाइम के बाद उसको ट्राई करके आपका व्यू रिजल्ट चेक करना है। और जैसे आपका रिजल्ट देखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जल्दी से बताना है कि आपके कितने परसेंटेज बने हैं। तो सबको कल के लिए ऑल द बेस्ट, और आप इस तरीके से आपकी रिजल्ट है आपका वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।